हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह, आप सभी लोग अपने एसएच क्रिस्टल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ के लिए मैथ सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और मैथ में हम लोग अध्याय दो से, जिसका नाम बहुपद है, इस बहुपद से हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर थर्ड को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज इस वीडियो में अध्याय टू, जिसका नाम बहुपद है, उसके प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उस प्रश्न नंबर 3 में 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्न को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। फ्रेंड्स, इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया है, 1 से लेकर 8 क्वेश्चन इसमें है। इसमें जो है आपको ये सत्यापित करना है कि जो दिखाए गए मान हैं, ये निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के मान है। जैसे ये है px बराबर 3x प्लस 1 ax बराबर 1 - 1/3। अब ये मान जो दिया गया है, इसको दिखाना कि ये जो बहुपद है ये इसका शून्यक है। अब शून्यक किसे कहते हैं? तो शून्यक जो है वह चर या वह मान होता है जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर वह पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। ध्यान सुनेगा, शून्यक किसे कहते हैं? तो शून्यक जो है वह मान या वह चर होता है जो दिए गए बहुपद में रखने पर पूरा का पूरा बहुपद क्या होता है? पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ 1 से लेकर 8 तक दिए गए हैं, हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो भाई, पहले सवाल में जो है x का जो मान दिया गया है, x बराबर -1/3, हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं। देखो, तो हम इस तरह हल करेंगे इसको। जहां पर x है वहां पर -1/3 लिख देंगे, उसके बाद हल करेंगे। बराबर p बराबर -1/3 बराबर, अब यहां देखिए 3x है तो 3 मल्टीप्लाई और ये -1/3 प्लस 1 बराबर। अब हम जब भी हल करेंगे, इसको नहीं हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये जो राइट साइड वाला है हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा? -1 और प्लस 1। जब यहां पर -1 है प्लस 1 है तो ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? 0। तो ये क्या है? ये शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि हां, -1/3 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है, और यही उत्तर। अब ये दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है px बराबर 5x माइनस पाई, जहां पर x का मान है 4.5। अब भाई, इसको रखते हैं, इसमें हल करते हैं, x का मान रखेंगे 4/5 बराबर। अब यहां पर देखिए 5x है तो 5 मल्टीप्लाई, सो 4/5 कर देंगे माइनस पाई। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहां पर तो ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा? 4 - π, और ये 4 - π 0 के बराबर नहीं है, 4 - π इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि 4/5 बहुपद का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका मान रखने पर यह शून्य नहीं आ रहा है, और यही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड है, तीसरे का थर्ड है। देखा कि px बराबर x2 - 1,
और जहां x का मान x बराबर 1 है और माइनस 1 इसको रखना है इसमें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम x का मान 1 रखेंगे, उसके बाद तो माइनस 1 रखेंगे। तो पहले हम 1 रखते हैं बराबर, अब यहां इस x के स्थान पर 1 रखने पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो जब 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस 1, तो यहां 1 से 1 कट गया कितना आएगा 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हां एक बहुपद का एक शून्यक है, अब आइए हम 1 एक्स का मान 1 रख लिए, अब माइनस 1 रख करके इसको सॉल्व करते हैं। बराबर, अब हाँ एक्स में रखेंगे माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, जब माइनस 1 का माइनस 1 जैसे है कि माइनस 1 गुणे माइनस 1 कितना है, ये आएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये यहां पर जो है 1 आ गया और फिर यहां माइनस 1 लिख देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 आएगा और 1 माइनस फिर ये 1 लिख देंगे, फिर दोनों से दोनों कट गया क्या है 0। तो हम लिख सकते हैं कि हां माइनस 1 बहुपद का एक शून्यक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, लिखा है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 में एक्स का मान जो है एक्स बराबर माइनस 1 और 2 रखने पर। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम x का मान माइनस 1 रखते हैं, उसके बाद जो है 2 रखेंगे और देखेंगे कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, मान रखने पर शून्यक होता है कि नहीं। तो पहले माइनस 1 रखने पर बराबर, अब यहां पर x के स्थान पर माइनस 1 प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई फिर x के स्थान पर माइनस 1 और इधर माइनस 2। अब यहां पर देखिए माइनस 1 और प्लस 1 दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा क्या जाएगा 0 आएगा। अब 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर के माइनस 3 हो जाएगा। और जब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो लास्ट में 0 ही आता है, क्या आता है लास्ट में 0 आता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि हां माइनस 1 बहुपद का एक शून्यक है। अभी माइनस 1 रख दिए, अब आइए हम इसको देखते हैं x का मान इस बहुपद में 2 रखें, ठीक बराबर। अब यहां पर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई और यहां पर 2 माइनस 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई अब यहां पर 2 में से 2 गया क्या बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा ना, तो हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि हां 2 बहुपद का एक शून्यक है, लिख सकते हैं कि हां 2 बहुपद का एक शून्यक है। और ये आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहां पर सवाल और फिफ्थ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जहां पर एक्स का मान जो है 0 है,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान जीरो रखने पर बराबर, अब यहां पर देखिए x स्क्वायर है, तो x का मान जीरो रखने पर हम इसको स्क्वायर कर देंगे। अब जब हम जीरो जीरो पर स्क्वायर स्क्वायर है तो इसका मान कितना होगा, तो जीरो पर स्क्वायर हो चाहे चाहे कोई भी घात लगी हो उसका मान जीरो ही होता है, तो हमको क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते कि हां जीरो बहुपद का शून्यक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। प्रश्न नंबर सिक्स है, इसमें दिया है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जिसमें एक्स बराबर जो है माइनस एम अपान एल। तो अब आइए जो है दिए गए बहुपद में एक्स का मान रखते हैं, अब एक्स स्थान पर माइनस एम अपान एल रखने पर माइनस एम अपान एल बराबर, अब यहां एल एक्स है तो यहां एल मल्टीप्लाई, अब एक्स का मान क्या है माइनस एम अपान एल और प्लस एम। अब देखिए यहां एल से एल कट गया, कितना बचा, यहां बचा माइनस एम प्लस एम, और माइनस एम से प्लस एम कट जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो लिख सकते हैं हम कि हां माइनस एम अपान एल माइनस एम अपान एल बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद का एक शून्यक है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। देखिए यहां पर प्रश्न नंबर सेवन है, तीसरे का सेवन है, यहां लिखा है पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहां एक्स का मान जिसमें एक्स बराबर माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स का मान माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री रखने पर बराबर, अब यहां पर थ्री मल्टीप्लाई, अब यहां माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन, अब इसको सॉल्व करेंगे थ्री मल्टीप्लाई, अब माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री और गुड़े माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री जब करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, इसमें माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री और मल्टीप्लाई माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री कितना करेंगे, तो ये आएगा वन माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहां जब अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, थ्री आएगा और माइनस वन। अब यहां पर थ्री से थ्री कट जाएगा तो कितना बचेगा, वन माइनस वन और ये प्लस वन है और ये माइनस वन है तो दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हम लिख सकते हैं हां माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री बहुपद का एक शून्यक है, लिखेंगे कि हां माइनस वन अपान अंडर रूट थ्री बहुपद का एक शून्यक है और ये आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आठ करते हैं, तीसरे का आठवां। अब आइए तीसरे का आठवां सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन और एक्स बराबर वन अपॉइंट टू, अर्थात एक्स का मान वन अपॉइंट टू है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स का मान वन अपॉइंट टू रखने पर
अब यहाँ पर 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपान 2 सो कर देंगे और प्लस 1 कर बराबर। अब यहां पर 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा और ये 1 प्लस 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 मिलाकर के 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 मिलाकर के 2 हो जाएगा 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है तो इस तरह लिखेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो यह इसका शून्यक नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 बहुपद का एक शून्यक नहीं है लिखेंगे 1/2 बहुपद का एक शून्यक नहीं है और यही क्या है आंसर है। तो फ्रेंड्स यह रहा प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 का आठवां क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मैं जो हर प्रश्नावली से एक एक प्रश्न को एक एक वीडियो मिलूंगा उसको एक्सप्लेन करूंगा और इस प्रश्नावली के और सारे जो प्रश्न है पहला दूसरा ये भी ऑलरेडी अपलोड है आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स विदा लेने से पहले मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।